अरे उसके दर्द हुआ था, दर्द होने के बाद उसकी मैंने दवा लगाई हैं, और दवा लगाने के बाद लड़का मेरा लेट गया। बोला हमने कब ये अस्पताल ले चले हुँ? तो उसके बाद जब वो लेट गया तो हम अंदर चले गए। फिर जब सवेरे उठ कर के आए तो देखा शरीर ठंडा था। नीचे माननीय आशीष यादव कुमार यादव, जो रमेश यादव के बड़े लड़के हैं, जिनकी दो बीवियां हैं, एक का नाम है प्रेमा देवी और दूसरी बीवी का नाम है मीरा यादव। वो जो पजीरो स्पोर्ट गाड़ी खड़ी है, क्या ये मानवता कहती है कि ड्राइवर बच्चे की शक्ल देखने आए? आप बताइए, आप मीडिया वाले हैं, आप ये बताइए कि ड्राइवर बच्चे की शक्ल देखने आएगा कि बड़ा भाई शक्ल देखने आएगा? बड़ा आशीष यादव, पूर्व विधायक सदर विधायक, पूर्व, वो आए थे मौके पे, आए थे, गाड़ी खड़ी है नीचे और वो ऊपर नहीं आए। उसको कैलाश को भेजा कि देख के आओ। आपके परिवार के बच्चे की जो है का देहांत हो गया है? जी सर, भतीजा था मेरा जी। हाँ, बड़े भाई का बच्चा था। कब पता चला इसके बारे में, कब जानकारी हुई? हम लोगों को पता लगा जब भाई साहब यहाँ से चले गए लखनऊ, तब हम लोगों को पता लगा। अच्छा, हाँ, ये घटना आज सुबह की है। अच्छा, सभापति जी तब यहीं पे थे, घर पे ही थे यहाँ से? अच्छा, वो निकल गए। हाँ, एटा थे, एटा थे उस समय। अच्छा, ये अभी जो परिवार के लोग हैं यहाँ के, वो क्या लखनऊ जा चुके हैं? सभी सभी लोग लखनऊ पहुँच चुके हैं। सभी खबर जैसे ही मिली, जैसे ही खबर लगी सभी लोग लखनऊ जा चुके हैं। और सभापति जी का तो आज का वैसे ही प्रोग्राम था उनका जाने के लिए, तो वो अपने निकल चुके थे रास्ते में, उनको रास्ते में सूचना मिली है। और विधायक जी सुबह ही निकल चुके थे, सुबह ही निकल चुके थे, उन्हें भी रास्ते में ही सूचना मिली। परिजन ने जो बताया कि रात में सीने में दर्द की शिकायत हुई थी और सुबह रात में ये सो गए थे, सुबह उनको मृत पाया गया, उसके बाद अग्रिम कार्रवाई के लिए उन्हें ले गए हैं और जैसा भी होगा कार्रवाई के नीचे अग्रिम कार्रवाई। क्या पोस्टमार्टम के लिए ले गए? नहीं, वो बताए कि स्वाभाविक रूप से मृत्यु हुई है, तो इस संबंध में परिवारजन पोस्टमार्टम भी कराना चाहते हैं, तो जो भी उनकी कार्रवाई होगी वो कर रहे हैं। कोई तहरीर नहीं प्राप्त हुई है, उनके द्वारा बताया गया कि रात में सीने में दर्द की शिकायत हुई थी और वो सो गए थे आके, उसके बाद सुबह मृत पाए गए। क्या गले पे निशान है, कोई चोट का निशान है या गले पे कोई पुलिस ने दबाने का या रस्सी का निशान? ऐसा कुछ अभी प्रथम दृष्टया प्रतीत नहीं हुआ है। सर, क्या इतना जल्दी हो गया कि बिना मतलब सर पिता को भी नहीं इंतजार करना पड़ा, इंतजार नहीं किया गया, अचानक से बॉडी मिल गया? अब जो भी हो, सब परिवारजन आप लोगों के समक्ष मौजूद थे, सारे परिवारजनों ने आपस में एक राय होकर उनके अंतिम संस्कार का निर्णय लिया, तो परिवारजन के मामले में जो उन्होंने चाहा वो किए। ये सब क्या नाम है, क्या करते थे? अब जो परिवारजन ने बताया कि अभिजात नाम है और ये BSc के स्टूडेंट थे। 21 अक्टूबर को अभिजीत यादव जो दारुलसफा में रहते हैं, उनकी मृत्यु की सूचना पुलिस को मिली थी। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी तो उनके परिवारजनों ने यह बताया कि उनकी मृत्यु स्वाभाविक हुई है, इसलिए कोई कार्रवाई करना नहीं चाहते हैं, किंतु पुलिस को संदेह हुआ। इस आधार पर पुलिस ने उनका पंचायतनामा भरा, उसके बाद शव को PM के लिए भेजा। PM रिपोर्ट में पाया गया कि उनकी मृत्यु गला दबाकर की गई है, स्ट्रैंगुलेशन पाया गया। उसके बाद पुलिस विवेचना में जुटी और साक्ष्य जुटाना शुरू किया, उनके परिवारजनों से बात की, उनकी मदर से भी गहन पूछताछ की गई, तो उन्होंने स्वीकार किया कि कल रात में उनका बेटा नशे की हालत में उनके साथ विवाद कर रहा था, अभद्र व्यवहार कर रहा था, इसी के बाद उन्होंने यह घटना कारित किया है। पुलिस को अन्य परिस्थितिजन साक्ष्य तथा पूछताछ से जो अब तक साक्ष्य मिले हैं, उस आधार पर मृतक की मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और साक्ष्य संकलन तथा अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।